हेलो गाइस, तो आज हम आपसे बात करेंगे वीनस कट डाउन या फिर वेनिसेक्शन के बारे में। अब देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये कि हम क्या है क्लिनिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारे क्लिनिकल्स नाम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जो कि आपको साइड में आई बटन पे मिल जाएगी इसी वीडियो के। ओके, तो वहाँ पे आप साइड में आई बटन पे जाइए, क्लिनिकल्स पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको सारे के सारे क्लिनिकल्स मिल जाएंगे। ओके, और एक और अनाउंसमेंट ये कि अब हम क्या करेंगे, डेली पर डे एक क्लिनिकल अपलोड करेंगे, डेली का एक क्लिनिकल अपलोड होगा। ओके, और सारे क्लिनिकल्स मिलेंगे आपको क्लिनिकल्स नाम से प्लेलिस्ट में। ओके, तो देखिए, इस वीडियो से पहले हमने आपसे बात की थी अर्ली प्रेगनेंसी साइन, और बेसिकली ये क्लिनिकल किसका है, दिस इज़ द क्लिनिकल ऑफ मैमरी ग्लैंड। मतलब क्या कि हमने इसका पूरा का पूरा आपको बता दिया था, इसकी एक सेपरेट वीडियो है, आपको मिल जाएगी क्लिनिकल्स में। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे वीनस कट डाउन या वेनिसेक्शन। बेसिकली देखिए, इस टॉपिक को हम देखते हैं एक डॉक्टर के व्यू से, स्टूडेंट के व्यू से नहीं, देखते हैं डॉक्टर के व्यू से। तो बेसिकली डॉक्टर के व्यू से देखेंगे तो मतलब क्या कि ये होता क्या है, करना क्यों पड़ा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहली बात, आप एक डॉक्टर है, आपके पास कोई पेशेंट आया बर्निंग का, मतलब कि उसके घर में आग लग गई थी और वो पूरा का पूरा पेशेंट जला हुआ है। अब देखिए, पूरा पेशेंट जला हुआ है तो बेसिकली पानी वानी का कोई नाम ही नहीं है, डिहाइड्रेटेड पर्सन है, हाइपोवोल्यूमिक का पेशेंट है वो, हाइपोवोल्यूमिक वाला। ओके, अब बेसिकली वो हाइपोवोल्यूमिक का पेशेंट है तो आप क्या करेंगे, इंस्टेंट उस बंदे को ड्रिप चढ़ाएंगे। ओके, अब उसको ड्रिप चढ़ाएंगे तो बेसिकली वो तो पूरा जला हुआ है, उसकी सारी सुपरफिशियल वेन बर्न हो गई। ओके, सारी की सारी सुपरफिशियल वेन बर्न हो गई, तो बेसिकली आप ड्रिप कहाँ चढ़ाएंगे, ड्रिप अगर चढ़ाते हैं तो बेसिकली हम सुपरफिशियल वेन्स में तो ड्रिप चढ़ाते हैं। अब वो तो बर्निंग का पेशेंट है तो कहाँ चढ़ाएंगे, या फिर कोई ट्रोमा का पेशेंट आ गया तो बेसिकली कहाँ चढ़ाएंगे। तो देखिए, उसके लिए एक प्रोसीड्यूर होता है जिसे बोलते हैं वीनस कट डाउन। मतलब क्या करेंगे, हम वेन को ही काट देंगे, मतलब हल्की सी थोड़ी सी सर्जरी करनी पड़ेगी, हम हल्का सा कट लगाएंगे एंड देन वेन निकालेंगे, और उस वेन में कट लगा के उसी के अंदर डायरेक्ट हम जो हमारी ड्रिप होती है, ड्रिप के एंड को इंजेक्ट कर देंगे। कहाँ पे, वेन को काट कर डायरेक्ट ड्रिप को, ड्रिप के एंड को इंजेक्ट कर देंगे। ओके, जिससे क्या हो, बंदे को फास्टली या तेजी से वो फ्लूड बंदे के बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो और वो हाइपोवोल्यूमिक का पेशेंट है उससे उसको रिलीफ मिले। ओके, तो हमने सारा बता दिया कि वीनस कट डाउन क्यों करते हैं, कब करना है। देखिए, दिस इज इमरजेंसी प्रोसीड्यूर, कोई बर्निंग का पेशेंट है तो बेसिकली इमरजेंसी होगी ना। ओके, तो सारा समझाते हैं हम थ्योरेटिकली, हमने पूरा ओरली तो एक्सप्लेन कर दिया, अब थोड़ा थ्योरेटिकली लिखते हैं किस में करते हैं, कौन सी वेन करते हैं, हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए। ओके, तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये, दिस इज इमरजेंसी। इमरजेंसी प्रोसीड्यूर है मतलब कि कोई बंदा जला हुआ आया, बर्निंग का कोई पेशेंट आया, मतलब बेसिकली बर्निंग वाला क्या है, हाइपोवोल्यूमिक पेशेंट है, मतलब उसके बॉडी में फ्लूइड की मात्रा बहुत कम है, प्लाज्मा बहुत कम है, तो बेसिकली प्रॉब्लम होगी बंदे को, हाइपोवोल्यूमिक का कोई पेशेंट है या फिर कोई ट्रोमा का कोई पेशेंट है, तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हाइपोवोल्यूमिक है तो हमें उसे इंस्टेंट ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी। ड्रिप कहाँ चढ़ाएंगे, हम इस प्रोसीड्योर में ड्रिप चढ़ाते हैं, साइट क्या है, साइट है हमारी ग्रेट सेफनेस वेन। ओके, तो हम ग्रेट सेफनेस वेन को डायरेक्ट कट करेंगे और इसी के अंदर हम ड्रिप्ट के जो लास्ट एंड होता है, स्टेराइल ड्रिप्ट, ड्रिप का जो स्टेराइल एंड होता है उसको ग्रेट सेफनेस वेन के अंदर डाल देंगे। ओके, बेसिकली ग्रेट सेफनेस वेन यूज क्यों किया, क्योंकि देखिए दिस इज द सुपरफिशियल वेन, मतलब सुपरफिशियल वेन होती है और ये इजीली हमें ढूंढने पर, मतलब इजीली मिल जाएगी, पेलपेट भी होती है ये और इजीली मिल जाती है, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। तो दिस इज सुपरफिशियल वेन, बेसिकली कहाँ मिलेगी ग्रेट सेफनेस वेन, दिस इज द लोअर लिम्ब, लेग में मिलती है ना, एंकल जॉइंट, मीडियल मेल्युलस, फ्रंट ऑफ मीडियल मेल्युलस, देखिए सारा लिखेंगे अभी, दिस इज सुपरफिशियल, ये क्या है, सुपरफिशियल वेन होती है, सुपरफिशियल वेन। ओके, और बेसिकली कहाँ पे होगी ये होगी इन फ्रंट ऑफ मीडियल मेल्युलस, फ्रंट ऑफ
मीडियल मेलियोलस। देखिए कन्फ्यूजन मत होना, मीडियल मेलियोलस के फ्रंट में है, जबकि जो एक और होती है स्मॉल सेफनेस वेन, आप पढ़ते हो ना स्मॉल सेफनेस वेन, SSV, स्मॉल सेफनेस वेन। बेसिकली ये कहाँ होती है, ये होती है, दिस इज द बैक, ये होती है बैक ऑफ, या फिर बैक नहीं बिहाइंड लिखते अच्छा रहेगा, ये होती है बिहाइंड, किसके बिहाइंड होती है, ये बिहाइंड होती है लेटरल मेलियोलस के। देखिए इन दोनों का लैंडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट सेफनेस वेन दिस इज द फ्रंट ऑफ मीडियल मेलियोलस कहाँ होगी, फ्रंट ऑफ मीडियल मेलियोलस, जबकि स्मॉल सेफनेस वेन कहाँ होती है, बिहाइंड लेटरल मेलियोलस के पीछे होती है, मतलब फ्रंट में होगी, और एक क्या होगी ये लेटरल मेलियोलस है तो पीछे क्या होगी, पीछे होगी हमारे बिहाइंड, मतलब जस्ट पीछे। ओके तो ये हो गया। उसके बाद देखिए हमें ये करना है, तो इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, तो देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं नोट, नोट ये है कि बेसिकली जब हम क्या कहते हैं हल्का सा कट लगा के जब ग्रेट सेपनेस में इनको बाहर निकालते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली क्या करना है स्किन में कट लगाएंगे एंड देन फिर उसको थोड़ा रिमूव करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम ग्रेट सेपनेस में इनको बाहर निकालेंगे एंड देन ग्रेट सेपनेस वेन में हल्का सा कट लगाएंगे और उसके अंदर हम स्टराइल एंड ऑफ ड्रिप को डाल देंगे। ओके तो बेसिकली जब हम स्किन के ऊपर कट लगाते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो सेफनेस वेन होती है, ग्रेट सेफनेस वेन होती है, इसी के साथ प्रेजेंट होती है हमारी सेफनेस नर्व। क्या प्रेजेंट होगी, सेफनेस नर्व। सेफनेस नर्व किसके साथ प्रेजेंट होती है, ग्रेट सेफनेस वेन के साथ। तो ग्रेट सेफनेस वेन में भी ये कहाँ होगी, ये होगी लाइज एंटीरियर टू ग्रेट सेफनेस वेन। ओके मतलब ग्रेट सेफनेस वेन के एंटीरियर साइड प्रेजेंट होती है ग्रेट सेफनेस नर्व। ओके और बेसिकली ये क्या है, दिस इज द क्यूटेनियस ब्रांच, या फिर बोल दीजिए इसके लिए एक और बेस्ट है, दिस इज द लार्जेस्ट क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ बॉडी, दिस इज द लार्जेस्ट क्यूटेनियस। ओके तो दिस इज द लार्जेस्ट क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ बॉडी। ओके और बेसिकली ये ब्रांच किसकी है, दिस इज द ब्रांच ऑफ, ये है ब्रांच ऑफ फीमोरल नर्व, दिस इज द ब्रांच ऑफ फीमोरल नर्व। फीमोरल नर्व में भी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ फीमोरल नर्व से निकलती है। ओके लार्जेस्ट क्यूटेनियस क्यों, क्योंकि देखिए फीमोरल नर्व कहाँ होती है, थाई में इंग्वाइनल लिगामेंट के पास होती है फीमोरल नर्व, और वहाँ से निकली और कहाँ तक आ रही है, मीडियल मेल्युलस तक। देखिए ना मीडियल मेल्युलस तक आ रही है, मतलब इंग्वाइनल लिगामेंट से लेके मीडियल मेल्युलस तक आ रही है फीमोरल नर्व, मतलब इंग्वाइनल लिगामेंट से लेके मीडियल मेल्युलस तक आ रही है, मतलब कि देखिए कितनी लंबी है, और पूरी की पूरी क्या है क्यूटेनियस है, तो क्यूटेनियस है तो बेसिकली क्या होगी, सेंसरी होगी, मोटर तो देगी नहीं ना, ओनली सेंसरी सप्लाई देगी। ओके तो बेसिकली हमें क्या करना है, जब हम स्किन को कट करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि सेफेनस नर्व इंजर ना हो। ओके तो इस टाइप से कट लगाना है कि सेफेनस नर्व इंजर ना हो और हमारा कट आसानी से लग जाए। ओके तो दिस इज ऑल अबाउट द वीनस कट डाउन या वेनिसेक्शन। और देखिए आपको ये वीडियो अच्छा लगाना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और TCML को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और देखिए अगर आप मुझसे कोई पर्सनली बात करना चाहते हैं, पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ जाके मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं।